मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं किराएदार के कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं इस विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को बीच में एस्केप न करें जिससे सारी जानकारी आपके समझ में आए। एक और अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज रोज प्राप्त होते रहे। अब मैं विषय पर आता हूँ। किराएदारों के लिए कौन कौन से कानूनी अधिकार दिए गए हैं, यह आप जानते हैं कि हर राज्य का एक एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है जिसके तहत मकान मालिक उसमें दिए गए प्रावधानों के तहत आपको मकान किराए पर देता है। जनरली 11 महीने का एग्रीमेंट दिखाया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा का भी एग्रीमेंट होता है तो उसे रजिस्टर्ड कराना होता है। एग्रीमेंट में, किराएनामे में जो भी शर्तें उल्लेखित की जाती है उसका पालन किराएदार को और मकान मालिक दोनों को करना होता है। 11 महीने का प्राय रेंट एग्रीमेंट लिखाया जाता है। इस संबंध में मैंने अलग से वीडियो डाले हुए हैं। जैसा हम जानते हैं कि बच्चे वगैरह जब भी कभी पढ़ाई के लिए, किसी व्यवसाय के लिए, काम के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें मजबूरी में कहीं ना कहीं किराए का मकान या कमरा लेना होता है। तो जो मकान मालिक है वो कई जगह मनमाना किराया वसूल करते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट भी मनमाना ले लेते हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट अलग अलग राज्य का अलग अलग है, इसकी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप थोड़ा सा जांच पड़ताल जरूर कर दें, कोई दलाल के माध्यम से ले रहे हैं, डायरेक्ट मकान मालिक के पास जा रहे हैं तो कोर्ट में कोई केस वगैरह तो उनका उस मकान या प्रॉपर्टी का नहीं चल रहा है, सबलेट वगैरह तो नहीं रख दिया है, शिकमी किराएदार के रूप में तो आपको नहीं रख रहे हैं, ये सारी बातें आपको। और रेंट की प्रॉपर्टी जब भी आप रेंट पर रहें, किरायेनामा जरूर लिखें, समय पर जो भी किराया तय होता है एग्रीमेंट में उसकी रसीद जरूर लें, जो आपके पास प्रमाण होगा। टर्म्स कंडीशन क्या किराएनामे में रखी गई है, नल का क्या स्थिति रहेगी, पानी की क्या स्थिति रहेगी, बिजली की क्या स्थिति रहेगी, सब मीटर लगाया गया है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए जिससे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना आए, उससे आप बच सकते हैं। ये किराएनामा आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में भी कई जगह काम आ सकता है। क्लेम में डिडक्शन मिल सकता है, इसकी रसीद आप अवश्य लें, समय पर किराया दें, अनावश्यक मकान मालिक से हर बात को लेकर विवाद न करें, प्रॉपर्टी को क्षति न पहुंचाएं, इलीगल कोई काम उसमें ना करें, क्योंकि किराएनामे में जो भी आपकी शर्तें हैं उसका पालन आपको करना है, उनको भी करना है आपको भी करना है। सब लेट उसे न करें। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर आप सरकारी सहायता भी ले सकते हैं। तो रेंट एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करना मकान मालिक और किराएदार दोनों का दायित्व है। मकान खाली आप 11 महीने अगर एग्रीमेंट है तो बीच में अगर उनको कोई तकलीफ है तो आपको बताएंगे। किराए में वो बढ़ोतरी 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते, उसकी भी शर्तें रहती हैं, जनरली 3 साल की रहती है, और अगर बढ़ोतरी करते हैं तो नोटिस देंगे, सूचना देंगे। सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका बाद में एडजस्ट कर दिया जाएगा या आपको रिफंड कर दिया जाएगा। 2 महीने से ज़्यादा का उस सिक्योरिटी अमाउंट कायदे से आपसे नहीं ले सकते जो किराए की राशि है, यह आपको जानना चाहिए। सिक्योरिटी खारिज करने के लिए या नोटिस अगर वो आते हैं विजिट करते हैं तो आपको 24 घंटे का मकान मालिक नोटिस देंगे। मेंटेनेंस का जहां तक प्रश्न है, मकान मालिक को मेंटेनेंस ऐसा टर्म्स कंडीशन में जनरली किराएनामे में रहता है। दूसरे जरूरी रिपेयर अगर आप करा लेते हैं तो वो आप रेंट में भी डिडक्ट कर सकते हैं, ऐसी शर्त लेकिन होना आवश्यक है। किराया ना देने पर मूलभूत सुविधाओं से भी मकान मालिक आपको वंचित नहीं कर सकता, जैसे पानी है, बिजली है, लेकिन किराया आपको समय पर देना पड़ेगा। अभी बीच में सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट वगैरह भी लाने का विचार किया है, तो इस संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने ये छोटी छोटी बातें जो किराएदार को ध्यान रखना चाहिए और किराया किराएदार को किन किन बातों का पालन मकान मालिक से जो भी आप एग्रीमेंट टेनेंसी के संबंध में लिखते हैं, कई जगह इसके संबंध में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी लिखा जाता है, लेकिन जनरली 11 महीने का ये टेनेंसी में एग्रीमेंट लिखा जाता है, उसी के अनुसार आपको किराएनामे के बाद मकान मिलता है। तो जानिए इस तरह की जानकारी, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।